يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. चलें बेटे आप जाएं, कल सबक याद करके आइएगा. क्या बात है बेटे, क्यों परेशान है? मियाँ जी ने कहा है कि कल मस्जिद में नात पढ़ने, लेकिन मुझे नात नहीं पढ़नी आती. ये तो बहुत सादत की बात है, मैं आपको सिखाऊंगी नात पढ़ना. ठीक है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हस्बी रब्बी जल्लल्ला माफी कल्बी गैरुल्ला नूर मुहम्मद सल्लल्ला ला इलाहा इल्लल्ला. ये बैग हमारी तरफ से अब रोना नहीं है, पढ़ना है. शुक्रिया. बेटा आप इस वक्त यहाँ रात में क्या कर रहे हो? अब तो दुकानें भी बंद होने वाली हो गई हैं. सूफी साहब मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मैं मैथ्स और इंग्लिश की किताबें पढ़ा हूँ. मेरे घर में लाइट का बहुत मसला है, इसलिए यहाँ पे आ जाता हूँ. बेटा मैं आपको पढ़ाऊँगा, ये मेरी किताबों की दुकान है, आप मेरे पास आ जाया करो, मैं आपको इंग्लिश और मैथ पढ़ाऊँगा. सूफी साहब ये तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ये तो मेरा मसला ही हल हो गया. आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपके पास आ जाया करूँगा. अपनी फिक्र में मुमताज, अपनी सोच में मुमताज, अपनी काबिलियत में मुमताज, अपनी अहलियत में मुमताज, गैर मामूली औसाफ का हामिल इस बच्चे का नाम था मुमताज ताहिर. बचपन ही से इनकी बातों में, लहजे में, रवैये में कुछ कर गुजरने का आज़म नुमाया था. फिर दुनिया ने देखा कि मुमताज ताहिर अल्लाह पर कामिल यकीन रखते हुए बुलंद अज़्म और पुख्ता इरादों के साथ सहाफती उफक पर कैसे आफताब बनकर रोशनियां बांटते रहे. मुमताज अहमद ताहिर साहब का ताल्लुक मदीनातुल औलिया के एक मतवस्सत घराने से था, इसलिए अवाइल उम्री से ही उन्होंने मेहनत को शार बनाया, तालीम हासिल की और साथ साथ वालिदैन के दस्तोबाजू भी बने रहे. डॉक्टर फारूक अहमद अवैसी अपना हफ्त रोजा नवाए मुल्तान शाया करते थे, उन्होंने मुमताज ताहिर साहब में छुपे गौहर को तलाश कर लिया. इस प्रोफेशन में कदम रखा तो बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी, फिर यानी माहनामा और उससे फिर रोजनामा जो है उस तक पहुँचे. यूं सहाफती जिंदगी का सफर शुरू हुआ. रोजनामा विफाक के नामा निगार बने, यहाँ उनकी दोस्ती एडिटर जनाब जमील अथर काजी से हुई. तो वो बतौर ब्यूरो चीफ विफाक से वाबस्ता रहे और उन्होंने मुल्तान रहने के बावजूद कौमी नौयत की और अहमियत की खबरें जो हैं वो हमें फ्राहम करना शुरू की. इसी से हमारे पर उनके जौहर खुलना शुरू हुए और हमने जाना कि ये शगुफा जो है ये आने वाले अदवार में एक बहुत ही तनावर दरख्त बन के उभरेगा. हमारे मुल्तान शहर ने एक इतनी जलील कदर शख्सियत पैदा की और बहुत आपने साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारी. मुझे तो याद है अपने वालिद के साथ मैंने इनको देखा सहाफ़त की दुनिया में, जो आपने अपना मकाम बनाया. पाकिस्तान में कहीं चले जाएं, सहाफ़ियों की किसी महफिल में चले जाएं, आपका ज़िक्र और आपका तذکرہ हमेशा रहा. रोजनामा नवाए वक्त ने मुल्तान में स्टेशन इंचार्ज के लिए दरख्वास्तें तलब की तो मुमताज ताहिर साहब कामयाब करार पाए. मुमताज ताहिर साहब
बतौर नौजवान रिपोर्टर नहायत मुतहर्रक और मेहनती थे। वो एक खबर के लिए मीलों सफर करते। जनाब मुमताज ताहिर साहब ने जनूबी पंजाब से कई मरकतुल आरा न्यूज स्टोरीज ब्रेक की जो कौमी सतह पर बाईलाइन शाया होती रही। हमें हमें खानदान के साथ उनकी वाबस्तगी बाप दादा से थी, हमें तो वह इनहेरिटेंस में मिले थे। और आफ्ताब क्योंकि अब इफ्तिताह भी मखदूम अलमदार हुसैन गिलानी साहब ने किया। अंदाज़ा लगा सकते उनका उनका जो रोज़नामा निकालने का ख्वाब था, जो चांद पे जाने का ख्वाब था ना, तो जब आफ्ताब का चर्चा हुआ तो फिर मुमताज़ ताहिर का चर्चा भी हुआ, उनको देखने का शौक भी पैदा हुआ। अभी आफ्ताब उफक पर तुलू हुआ ही था कि तहरीक नफाज निज़ाम मुस्तफ़ा का आगाज़ हो गया और मुल्तान उसका मरकज बना। हालत ये थी कि पाँच पाँच प्रेस जनरली छापते थे अखबार, लेकिन अखबार पूरा नहीं होता था। इवन मुल्तान रेलवे स्टेशन पे जो ट्रेनें आके रुकती थीं वो अखबार को वहाँ से लेने की कोशिश करते थे, और बाज़ औक़ात उनको कई कई घंटे इंतज़ार करना पड़ता था, ट्रेनें लेट हो जाती थीं, लेकिन वो अखबार लिए बगैर नहीं जाते थे। सराय की जुबान में पहला मुकम्मल सराय की एडिशन और सराय की जुबान को सहाफ़ती जवाबत देने का एजाज भी रोजनामा आफ्ताब के हिस्से में आया। 14 अगस्त 1983 जनाब मुमताज ताहिर ने दाता की नगरी लाहौर को अपनी अगली मंजिल बनाया। और हम उस दौर में देखते थे हमारे बड़े सीनियर जो इस वक्त बड़े बड़े नाम हैं मेरे साथ काम करते रहे वहाँ। मैं तो खुल के कह सकता हूँ कि मैं रोजनामा आफ्ताब की बदौलत यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसने जो स्पेशल उस वक्त मोमेंट थी एमआरडी की और ये जो उस वक्त सियासी हालात थे उसमें बहुत अहम किरदार अदा किया। जनाब जहूर आलम शहीद की सरपरस्ती, जनाब जफीर नदवी मरहूम के इदारिये और जनाब कतील शिफाई मरहूम के कतात ने रोजनामा आफ्ताब के सफात को चार चांद लगा दिए। वाहिद उनका अखबार था जो सवाद आजम का तर्जमान था और इस हवाले से उन्हें ये यकता हैसियत जो है वो हासिल थी। मुमताज ताहिर साहब ने जनूबी पंजाब की सकाफत की तरवीज और आज के बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता फनकारों को मुतारफ करवाने में अहम किरदार अदा किया। ख्वाजा फरीद कल्चरल फोरम के तहत तकरीब में शोहरा आफाक गुलुकार अताउल्ला ईसा खेलवी, पठान खान और सुरैया खानम बहावलपुर को PTV में एंट्री की खुशखबरी मिली। जनाब मुमताज ताहिर APNS में जंग ग्रुप के बानी कायदीन में से थे। वो APNS और CPNE की एक नुमाया आवाज थे, नुमाया चेहरा थे। उसमें बैठकर वो हमेशा रीजनल अखबारात की वकालत करते थे। दो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस भी उन्होंने इसके हवाले से करवाई, एक में ज़ियाउल हक आए, एक में वज़ीर आज़म गिलानी आए। तो ये एक सारा क्रेडिट जो है मुमताज़ ताहिर साहब को जाता है। पासिंग अवे ऑफ मुमताज़ ताहिर द चीफ एडिटर एंड पब्लिशर ऑफ आफ्ताब मुल्तान लाहौर एंड कराची इज अ वेरी सैड इवेंट फॉर द पाकिस्तानी प्रेस एंड फॉर द ओल्ड पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी and I would venture to say probably for the Council of Pakistan newspaper editors. Mumtaz Tahir was a dyed-in-the-wool veteran. He served as vice president and joint secretary of APNS for multiple terms. I think the main cause that was so close to Mumtaz Tahir's heart and that really won all of his colleagues in APNS was that he was such an ardent and strong supporter of the regional press. He firmly believed that the regional press was the nursery for the national press and that without the regional press there really could be no national press. Koi bhi forum ho, koi bhi meeting ho, koi bhi maqam ho, unhone ilaqai akhbarat ke masail ko ujagar kiya, unke huqooq ki baat ki aur apne aakhri saans tak unke huqooq ki alambardari ka farz ada kiya aur haq ada kiya. मुझे आज भी वो मुमताज़ साहब ने जिस मोहब्बत और खलूस के साथ मुझे गले लगाया था जब मैं APNS का सदर पहली बार मुंतखब हुआ था, वो मैं बात नहीं, मैं बयान नहीं कर सकता। मैं जब भी उनको देखा, जब भी वो गवर्नर साहब से मिल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब से मिल रहे हैं, तो उन्होंने अपने इदारों की बात की, अपने छोटे अखबारों की बात की, और ये बहुत कम लोगों में ये चीज़ अब भी नहीं है, पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, उनका बहुत बड़ा ये खला रहेगा। मेरे लिए तो वो आप समझ लें एक वालिद की जगह पे थे, एक उस्ताद भी थे। और सच्ची बात है कि APNS में तो मुझे जो है जिसे कहते हैं ना उंगली पकड़ कर चलाने वाला हिसाब उन्होंने किया। और मुमताज़ साहब जो थे
वो हर वक्त जिसे कहते हैं ना सीसा प्लाई दीवार की तरह वो मेरे पीछे खड़े थे। मुमताज़ ताहिर जो हैं एक लिहाज से एक रोल मॉडल है ना, छोटे से कारोबारी जो हैं उनके यहाँ उन्होंने जन्म लिया और फिर एक कारकुन के तौर पर काम का आगाज़ किया और एक बड़ा अदारा जो है बनाया। के जाने के बाद हमारे अच्छे इदारे हैं, PNS, CPNE, ये बड़े इदारे हैं, लेकिन जो कुछ वो कर गए अपने लोगों के लिए, वो कोशिश करते थे परसू करने की, वो कोशिश करते थे फॉलो अप करने की, वो कोशिश करते थे मोहब्बत से अपनी बात मनवाने की, तो ये उनके औसाफ थे। मुमताज़ ताहिर साहब को एज ए रोल मॉडल वहाँ पे उन पे रिसर्च होनी चाहिए ताकि वो औसाफ जो मिसिंग होते जा रहे हैं और हमारे उसमें हमारे साफियों में नहीं आ रहे, वो उनके अंदर जो एक पाकिस्तान के लिए तड़प थी, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें अपने मुल्क से मोहब्बत की है और अपने कलम के ज़रिए वो मोहब्बत आगे ट्रांसफ़र करने की, फैलाने की ज़रूरत है। और उनका एक ही इशू था रीजनल प्रेस, इलाकाई प्रेस, और इलाकाई प्रेस के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, उसके लिए खसूसी रेट मंजूर करवाए, कोटा मुख्तस हुआ, उसमें वो पेश थे। देखिए जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो वालेहाना मोहब्बत और इश्क उनका था, उनकी आंखें नम रहती थीं और आखिरी उम्र में तो ये भांभड़ ज़्यादा ही भड़क उठा था। उनके जो चेहरे की बशाशत होती थी और ख़ुशी का जो इजहार होता था और उनकी तवज्जो का जो इन्हिताफ़ होता था वो इतना पीक पर होता था, तो वो तो वाज़े तौर पर महसूस होता था। वो एक ऐसे शख्स थे, मैं समझूं कि मेरी तो एक ज़िंदगी का हिस्सा थे, यानी वो गए हैं तो लगता है कि मैं खुद ही चला गया हूँ। अपना काम करते रहे, अपने अल्लाह पे राज़ी रहे और अल्लाह इंशाल्लाह उन पे राज़ी होगा। अल्लाह को याद करें, अल्लाह के रसूल को याद करें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, मौत से पहले इस्तग़फ़ार पढ़ लेना, तौबा कर लेना और अल्लाह को राज़ी कर लेना, अगर ये मौका मिल जाए तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं होती। हाँ, दर बदल ठोकरी खाऊं जाकर, कहाँ दर बदल ठोकरी खाऊं जाकर, मैं बेआसरा हूँ, निगाहे करम हो मैं सबसे बुरा हूँ, निगाहे करम हो सदा पा खता हूँ, मेरी दास्ता मुख्तसर हो रही है, निगाहे करम हो मैं बुझता।